जनजाति बाहुल्य जिले बांसवाड़ा में इन दिनों किसान रासायनिक खाद और उर्वरकों का मोह छोड़कर जैविक खेती की ओर लौटने लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुहिम का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। बांगड़ क्षेत्र में काम कर रहे कई स्वयंसेवी संगठनों के साथ कृषि विज्ञान केंद्र भी किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दे रहा है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक जीएल कोठारी ने बताया कि जैविक खाद से फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है और सोयाबीन की खेती में उत्पादन बढ़ा है। और वो बाहर का खाद में कभी काम में नहीं लेता हूँ। मैं 35 साल से चला रहा हूँ, लेकिन बहुत खेती है वो हम 15-20 साल से कर रहे हैं। और ये शेड के अंदर हम सारा खाद बनाते हैं, सब हमारे खाद के खड्डे बने हुए हैं, उसके अंदर पहले वो खाद डाल देते हैं, वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम इन कुंडियों में डालते हैं और उसके बाद उसको छान करके फिर हम यहाँ इकट्ठा करते हैं और फिर जो जरूरत होते हैं वो हम खाद देते जाते हैं पौधों को, और इस प्रकार से हमारी खेती चलती है। बांसवाड़ा जिले का जो फसल चक्र है वो धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। हमने आज के 10 या 15 साल पहले जाए तो केवल अपन खरीफ में मक्का लिया करते थे और रबी के अंदर चना या थोड़ी बहुत जगह पर गेहूँ लिया करते थे, पर जैसे जैसे माही तंत्र का विकास हुआ, माही का पानी आने लगा, तो अपना बांसवाड़ा जिला भौगोलिक परिस्थितियों में इतना अनुरूप है कि अपन वर्ष भर केवल जनवरी और दिसंबर का...